हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसे मत लड़ो ना। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। ये सब क्या है? सालों पहले उसने भी मेरे साथ में यही किया था, मुझे प्यार में पागल कर दिया था। और ये लड़की, नफरत है मुझे इससे, पर देख लेखा के लिए भी तो यही सोचता था कि नफरत थी उससे। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब किया तुम्हारे प्यार में? नहीं, तुम्हारी मौत के लिए। तुम्हें घुटनों पर लाऊंगी और तुम्हारे हाथों तुम्हें ही मरवाऊंगी, तब होगा मेरा बदला पूरा। पर होने को कौन डाल सकता है? रात को शगुन भी मिल गया, हमारी शादी भी हो गई और सुहागरात भी। सच कहते हैं सब, तुम राक्षस जहन्नुम की आग में जलने के ही लायक हो। मैंने जो किया वो गलत था, पर तुमने जो किया वो पाप है। धोखे से मेरे साथ रात गुजारी थी ना, जब तुम खत्म तो मैं पाप मुक्त हो जाऊंगी और फिर अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। सच में तुमने ये सब किया क्योंकि तुम्हें उससे नफरत है? तुम में ही मैं हूं, और तुम चाहे जितना भी बोल लो कि तुम्हें उससे नफरत है, आहा, तुम्हें उससे पहले भी प्यार था और तुम्हें उससे अब भी प्यार है। नहीं, कोई प्यार नहीं है, सिर्फ नाटक है। नहीं, कोई नाटक नहीं है, प्यार है बेला। दादी लाइए, मैं लगा। नहीं नहीं, ठीक है, मैं लगा दूंगी। दादी दीजिए, मैं लगा दूंगी। आपके पैरों में इतना दर्द है, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तू कोई जादूगरनी है? तेरे हाथ लगाते ही मेरे इतने सालों का दर्द चला गया। आदि, मल्लिका, अरे नई नई शादी हुई है, तुम लोग कहीं अकेले टाइम स्पेंड करने जाओ, हनीमून, यू नो। अरे रानव, हम लोग तो हनीमून पे जा रहे हैं, तू नहीं जा रहा क्या? कहीं नहीं जाना है मुझे। थोड़े खड़ूस हैं, है ना, पर दिल का बड़ा क्यूट है। अश्वथ का था ना, जब से आया हूं देख रहा हूं कि यामिनी ये कमरा हमेशा बंद रखती है। राक्षसी शक्तियों का प्रयोग करके भी मुझसे ये ताला क्यों नहीं टूट रहा? क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे खून का कोई असर नहीं हो रहा तुम पे? क्या कहा? मतलब दर्द नहीं हो रहा? नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। तुम यहाँ क्यों? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। अरे? जाओ। मौली बांधने आई हूँ, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या ये भगवान की मौली है? नहीं, पीर बाबा की है। जो भी हो, मुझे नहीं बांधनी ये 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 मौली। सातों लोक पे विजय करोगे,
क्या? ऐसा पीर बाबा ने कहा था। तुम्हारे फ्रॉड पीर बाबा ना, अपने पास में रखो, मुझे कोई मौली वाली नहीं बाननी। बहुत सालों पहले की बात है, ये मुझे परेशान क्यों कर रही है? कितनी अच्छी शक्ति है मेरे पास, मुझे सुनाई दे रहा है जो तुम सोच रहे हो। कुछ कहा तुमने? अरे मेरा हाथ क्यों कांप रहा है? हाथ क्यों कांप रहा है? नहीं, मेरा हाथ नहीं कांप रहा है। सुनो, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं भी कोई शर्मा नहीं रही हूँ। कोई जरूरत भी नहीं है शर्माने की, प्लीज। ओके, मुझे अकेला छोड़, जाने दो मुझे। क्या हुआ? दादी, मैं मोली बांध रही थी। बढ़िया बात है, दे हाथ, दे बंधवा। अरे दादी, मुझे नहीं बंधवाना है। बांध बांध बांध। दादी चुप। गुड, चल। सातों लोक पे विजय, पीर बाबा ने कहा था। ये मेरा पहले मेरे राक्षसी शक्तियों से भी ये ताला नहीं टूटा, अब अचानक कैसे टूट गया? अगर वो बंद दरवाजा रानव ने खोल भी लिया तो उसे उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता था आज नहीं तो कल वो वहां जरूर पहुंचेगा। इसीलिए मैंने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है मैडम शो, यहाँ कुछ तो हुआ था, किसी ने यहाँ से सारी चीजें हटा दी। ये अश्वत का कमरा है, ये लोग ऐसे ताले में बंद क्यों रखते थे? एक मिनट, हो सकता है कि मेरी शक्तियों से मुझे यहां पे कुछ दिख जाए। अच्छा, तू हमेशा ये ब्रेसलेट क्यों पहन के रखता है? जलन हो रही है आपको, जलन हो रही है आपको, जलन हो रही है आपको। अब जानते हो मेरे लिए ब्रेसलेट इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये ब्रेसलेट मुझे बाबा ने दिया। अश्वत, अश्वत मेरा भाई, क्या हुआ तेरे साथ? हाँ, ये तो हमारी मसूरी वाली हवेली है, ये अश्वत वहां क्या कर रहा है? और ये अश्वत का ब्रेसलेट, वो वहां क्या कर रहा है? और उसमें खून क्यों लगा है? अश्वत, 2009, 2009।
क्या इसका मतलब? अश्वथ की मौत 2009 में हुई थी? कुछ साल पहले रायचंद फैमिली ने अपनी ये हवेली बेच दी, अब ये हेरिटेज हवेली होटल में कन्वर्ट हो गई है। इसका एक हिस्सा हवेली के मालिकों के पास अब भी है, जो हमेशा बंद रहता है। रानव इस कमरे को लेकर इतना जुनूनी क्यों है? आखिर हुआ क्या था यहाँ? तू उस हवेली में क्यों गया? और अगर तुझे किसी ने मारा है तो क्यों मारा और कैसे? मेरा भाई था तो जिंदगी कुछ और थी। क्या हुआ? क्यों बताऊं तुम्हें? चली जाए यहां से। अगर मन शांत नहीं है तो मेरी माँ ने एक नुस्खा बताया था। नहीं मानता मैं इन बातों में। कुछ नुस्खे ना सीधे भगवान के दिए हुए होते हैं। अच्छा, बहुत जानती हूँ अपने भगवान को। हाँ, मेरी स्पेशल सेटिंग है भगवान से। मेरी बिल्कुल नहीं है। पता है, लेकिन मेरी तो है ना। तो जाओ ना अपने भगवान के पास में, जाओ जाओ। लेकिन कोशिश तो करो। क्यों? ये दोबारा मत करना मेरे साथ में। किसी और बारे में मत सोचो, उनके बारे में सोचो जो तुम्हारे अपने हैं, जिन्होंने तुम्हें प्यार दिया, जिनसे तुमने प्यार किया, जो तुम्हारा परिवार है, बस उनके बारे में सोचो। मेरे पापा, भाई, क्या बताऊं तुम्हें, कैसा था मेरा भाई और कैसी थी वो जो आई थी। बचपन से ही हम तीन भाई, हमारा अटूट रिश्ता। माँ बाबा के बहुत झगड़े होते थे, लेकिन हम तीन भाई हमेशा एक दूसरे की रक्षा करते। हमें हमारे बच्चों को राक्षस बनाना है और आप एक ही देवताओं को प्रसन्न करने में लगे हैं। कुछ हाथ नहीं लगने वाला। आपको तो इंसानों को खाना चाहिए, लेकिन जानवरों को खाने में भी आपको संकोच। मैं तो यही समझती थी कि एक शक्तिशाली राक्षस बालिका से मेरी शादी हुई है, लेकिन नहीं जानती थी कि इस राक्षस के अंदर एक कमजोर इंसान भी है। जानवर घास फूस खाकर काम नहीं चला सकते, लेकिन हम तो चला सकते हैं ना। फिर भी हम इंसानों को खाते सिर्फ इसलिए कि अपनी शक्तियां बढ़ानी हमें। तो शक्तियों से बढ़कर है भी क्या? हम भी तो देवताओं की तरह जी सकते हैं। अगर देखो तो सही, हम कैसे जी रहे हैं। मैं अपने बच्चों को राक्षस बनाऊंगी। मुझे आज भी याद है माँ की वो बात। हमें शिकार करने की शक्ति है, जाओ जाकर शिकार करो। अरे जब शेर अपना शिकार करने से पहले नहीं सोचता है तो हम क्यों डरे, हम क्यों सोचे?
भेज दिया उनको, इतनी छोटी सी उम्र में राक्षस बना दिया उन्हें। चली जाओ यहां से, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जाओ। बाबा ने हमें अकेले पाला, तुमसे मैंने एक बेवफाई की, उस बेवफाई की निशानी है ये बच्ची। मैं कोई बच्चा नहीं पालूंगी, तो इसे यहां छोड़ा है। बेवफाई की निशानी यामिनी। ये कौन है बाबा? ये मेरी बेटी। हमने यामिनी को अपनी बहन माना। हमें कभी नहीं पता चला कि उसके पिता कौन थे, लेकिन हमने उसे पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। पापा ने शिकार के लिए मना किया। यामिनी ने हमेशा हमसे नफरत की। बाबा, आपको नहीं लगता आपको पता करना चाहिए कि मेरे सगे बाबा कौन है? तेरा बाबा अब मैं ही हूँ। जितना हमने उसे जाना, वो भी हमारी माँ ही जैसे थे, शैतानी, स्वार्थी, शक्ति की भूखी। बचपन से ही माँ तो थी नहीं, और बाबा कभी भी कहीं पर भी निकल जाते थे। मेरा भाई अश्वत्थ और मैं, बस हम ही थे एक दूसरे के लिए। और वंश, वो तो मुझसे छोटा था, इसीलिए हमेशा डांटता रहता था मैं उसे। अगर तू बाबा के खिलाफ जाएगा तो उनका एक बेटा कम हो जाएगा। मेरी मौत के बाद में मेरे भाई अश्वत्थ के साथ में क्या हुआ, मैं उसे नहीं बचा पाया, कुछ नहीं कर सका। यामिनी ने मेरे भाई के साथ में क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। तू उसके कमरे को हमेशा बंद रखती, वो बंद दरवाजा, और आज जब मैं उस दरवाजे में गया तो मुझे ये तस्वीर मिली। इस तस्वीर में अश्वत्थ का ब्रेसलेट, वो पुरानी हवेली, ये ब्रेसलेट और वो खून। मैं, मुझे नींद क्यों आ रही है? मुझे बहुत सारे ख्याल हैं तुम्हारे मन में, तुम थोड़ी देर आराम करो। मल्लिका पहले मुझसे प्यार करती थी, मुझ पे मरती थी, लेकिन अब उसका मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं चाहिए वो। तुझे कौन सा उससे प्यार करना है? तूने तो उसका खून पीने के लिए उससे शादी की थी ना, क्योंकि वो एक परी है। आर यू श्योर मॉम? मल्लिका अगर परी होती तो मैंने तो उसका खून पिया था, मुझे तो कोई शक्ति भक्ति नहीं मिली। वो कोई परी नहीं है मॉम। है। उसने वो कहानी सुनाई थी कंपटीशन में, परी और राक्षस की, जो सिर्फ हमें पता है और किसी को नहीं। वो उसकी ड्राइंग्स और मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसके छूते ही मुरझाए हुए फूल खिल गए थे। वो एक परी है। तू एक काम कर, उसे हनीमून के लिए मसूरी ले जा। हनीमून? क्यों? मसूरी में हमारी एक पुरानी हवेली है, हमने उसे बेच दिया था और होटल बना लिया था, लेकिन उस हवेली का एक हिस्सा मैंने आज तक रखा है। तू उसे वहाँ ले जा और उसका खून पी जा। लेकिन मॉम, वो कोई परिवरी नहीं। क्या पता मल्लिका को अब तक उसकी परी होने का एहसास ही ना हो, इसीलिए तो उसमें अब तक शक्तियाँ भी ना आई हो। हमारी हवेली का वो हिस्सा बहुत शक्तिशाली है, क्या पता वहाँ जाके उसकी परी की शक्तियाँ जागृत हो जाए। कल 13 दिन। सिर क्यों भारी हो रहा है? कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि मैंने अपनी सारी जिंदगी किसी को बता दी हो।
पर कैसे? मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें वो मौली बांधी थी रानव, ताकि तुम वो ताला तोड़ सको। मैंने अपनी सम्मोहन शक्तियों का प्रयोग ही इसलिए किया था रानव, ताकि तुम मुझे खुद बताओ कि उस बंद दरवाजे का क्या राज है, यामिनी ने वहां क्या छुपा रखा है। मेरी मौत के बाद में मेरे भाई अश्वत के साथ में क्या हुआ? मैं उसे नहीं बचा पाया, कुछ नहीं कर सका। मैंने प्रथम के साथ जो किया वो उसी लायक था, पर उसके बाद अश्वत के साथ जो हुआ वो सही नहीं था। नहीं 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 बेला, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम बदला लेने आई हो, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखो। साम दाम दंड भेद, देहन सेहन, बेहम या भ्रम, जिस किसी की भी दीवार खड़ी करनी पड़े करो, जो अपनी मर्यादा पार करनी पड़े तो वो भी करो। हाँ बेला, साम दाम दंड भेद, जो करना पड़ जाए करो, पर अपना मकसद पूरा करो। ये क्या है? अरे वो हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं ना। What? क्या कुछ भी? अरे चलो ना यार, प्लीज। लिसन, हमारी जो शादी है ना, ये एक नकली शादी, और तुम ये हनीमून के टिकट्स लेकर आ गए। अरे मॉम, चाहते हैं हम लोग हॉलीडेज पे जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, चलो प्लीज यार। हॉलीडेज? वो भी तुम्हारे साथ। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि मैं रानव को अपनी जिंदगी में वापस ला सकूं, तुम्हारे साथ हॉलीडे बनाने के लिए नहीं। यही प्रॉब्लम है तुम लड़कियों की, तुम लोगों को लड़का पटाना ही नहीं आता। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, तुम्हें मुझ पे प्यार आता है? Not at all. That's the point. अगर तुम रानव के पीछे पीछे मंडराओगी तो उसे तुम पे प्यार? Not at all. तो इसलिए उसे ये शो करो कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, और फिर रानव तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। हम हनीमून पे जाएंगे। दादी, अब ये हनीमून कहाँ से आ गया? मैं किसी हनीमून पे नहीं जा रहा हूँ। पर आदि और मल्लिका तो जा रहे हैं। मल्लिका, ये रही तुम्हारी लंदन की टिकट्स। वाओ, लंदन? हम लोग तो लंदन जा रहे हैं। जाना तो मसूरी है, पर इनको नहीं बताएंगे। इन्हें तो पता भी नहीं मसूरी में क्या हुआ था। अच्छा, तो यामिनी नहीं चाहती थी कि रानव को उसके अतीत का पता चले, लेकिन मुझे पता तो करना है मसूरी में आखिर अश्वत के साथ क्या हुआ था। वैसे डार्लिंग, हम भी चले हनीमून की सेकंड इनिंग्स पे। बेबी, हमारा तो फर्स्ट इनिंग्स भी बहुत खराब था। पहले हनीमून के बाद तुम्हें तीन तीन बेटे दे दिए। Bye guys, bye. ये तो मसूरी की टिकट्स हैं। मतलब यामिनी इन्हें हमारी मसूरी वाली पुरानी हवेली भेज रही है, जहां अश्वत के साथ में हादसा हुआ था। उस हवेली में कई राज दफन हैं। वहीं जाके पता चलेगा आखिर अश्वत के साथ में क्या हुआ था। दादी, आप कह रही थी ना कि हमें भी हनीमून पे जाना चाहिए। अब आप बड़ी हैं तो मैं आपकी बात कैसे डाल सकता हूँ? मैं और बेला भी हनीमून पे जाएंगे। हाँ, ओके, जाओ जाओ,
कुछ दिन के लिए ही सही, ये बेला सर पे नहीं नाचेगी, सुकून की नींद आएगी। ओ वाओ, पर कहाँ जाओगे? वहीं जहाँ आदि गए। पर वो तो गए। तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं लंदन के टिकट्स बनवाती हूँ। बुआ जी, मैंने टिकट्स ऑलरेडी बना दी हैं। चले बेला। Let's get set go. Bye दादी। Bye. So nice. आदि क्या है ये सब? रास्ते में तुम तो मुझे कह रहे थे कि हम देहरादून से फ्लाइट पकड़ के पहले दिल्ली जाएंगे और फिर वहां से लंदन। तो तुम मुझे मसूरी के ऐसे होटल में क्यों लेकर आए हो? अरे मुझे तुम्हें ये होटल दिखाना था। अब ये पहले मेरे नाना जी की पुरानी हवेली हुआ करती थी, इसलिए। व्हाटएवर, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना। किसी अजीब सी जगह है, यहाँ पे तो रौनक भी नहीं आएगा। अरे सुनो तो, इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा ना अभी भी हमारे पास है। पुरानी हवेली इस होटल के पीछे ही है, वो मॉम के नाम पे है, तो वो तुम्हारे नाम पे कर देंगी। तो प्लीज रुक जाओ ना, अब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं ना। मलिका, अब बता भी दो तुम एक परी हो। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मुझे तो पहले से ही पता है कि मैं एक परी हूं, अपने पापा की परी। लेकिन तुम मुझे एक खंडर हवेली दिखाने लायो? अभी पता चल जाएगा। ये भी कोई जगह है? इस प्रॉपर्टी को तो मैं कभी भी खरीद के यहाँ पे कभी होटल ना बनाऊं। हनीमून और वो भी अकेले अकेले। तू यहाँ क्या कर रहा है? अब तू ये मत बोलना कि लंदन की फ्लाइट छोड़ के तू मसूरी आ गया, वो भी हमारी पुरानी हवेली में, जिसका एक हिस्सा छोड़ के हमने बाकी पूरा हिस्सा बेच दिया। तुझे क्या लगा मैं भूल गया? वैसे अपना रूम छोड़ के इस पुराने खंडर में क्या कर रहा तू? अब मॉम ने कहा था कि मलिका को मैं प्रॉपर्टी दिखा दूं, तो इसलिए आया हूं। रानव, रानव, रानव देखो ना, याद है मुझे कौन सी जगह पे लेकर आया? देखो ना, और ना फिर वो देखो, इतनी बड़ी चिपकली है। कोई बात नहीं बेबी, मैं हूं ना। जितनी देर वो चिपकली दीवार से नहीं चिपकी हुई थी ना, उससे कई ज्यादा देर से तुम मेरे पति से चिपकी हुई हो। बताना पड़ेगा क्या कि जिससे इतनी देर से चिपकी हुई हो वो मेरा पति है? I'm so sorry. My bad. तुम्हारा मतलब वो पति जो पहले मेरा पति होने वाला था, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन धोखे से मेरी जगह तुम मंडप में बैठ गई। हाँ लेकिन वो तो कल था ना मलिका, लेकिन अब ये मेरा पति है, है ना? हेलो सर। हेलो मैम। हमारे होटल के ओनर को जैसे ही पता चला आप सब यहाँ आए हैं, उन्होंने आप सबको बुलाया है। वेलकम वेलकम टू होटल हेरिटेज, आप लोगों का पुराना घर और मेरा आज का करंट इश्क। वैसे आई मस्ट से यार, इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद योर मॉम, और अब आप लोगों से भी मिल रहे हो तो इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू गाइस एज़ वेल। And guys, anything you need, kuch bhi chahiye, I'm right here. Please feel free to ask and do not hesitate at all. We'll serve you Masuri's best food and best wine and everything you need. Aur aap jaisi khoobsurat ladki ke saath aapke kamre mein rose fresh flowers rakhenge. By the way, I'm Indrajit. Oh, hi, I'm Bela. Kafi charming hai aap. Thank you, I know. Lekin harming bilkul nahi hua. Anyway, आप लोगों के स्वागत में एक स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज किया है मैंने, so shall we? हाँ क्यों नहीं? अब इतने प्यार से इनवाइट कर रहे हैं, हम जरूर आएंगे। That is really sweet of you. Stupid idiot!
I can't believe this. एक नंबर का इडियट इंसान है वो. एक छोटी सी छिपकली से मुझे बचा नहीं सका. या बड़ा. और रानव, कुछ तो है, कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग था हम दोनों के बीच में. मुझे रानव चाहिए, मुझे रानव हर हाल में चाहिए और मैं कुछ भी करूंगी. लेकिन मैं अपने रानव को वापस हासिल करके रहूंगी. क्या जरूरत थी डिनर के लिए हाँ बोलने की? वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, उसने सिर्फ हमसे ये जगह खरीदी है. क्यों, तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है? लड़का लड़का नहीं है, he's a man, 32 साल का आदमी है वो. पर कितने स्वीट है, है ना? What did you just say? स्वीट? कल तक हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं वगैरह वगैरह ये सब कह रही थी, आज वो तुमको स्वीट लग रहा है, एक अनजान लड़का. वाओ, 24 घंटे में सब कुछ बदल गया. अमेजिंग, फ्लोटिंग चालू हो गई है यार, कमाल है बेला. ओ, कुछ तो जल रहा है. पति देव, आर यू जेलस? जेलस मी? कॉट बी किडिंग मी? जेलस नहीं हूं मैं, पर दिख रहा है कि तुम भी फ्लर्ट कर रही थी उसके साथ में, विच इज. अगर तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता तो मैं थोड़ी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए वेट करूंगी. हाँ, इत्तेफाक से हमारी शादी हुई तो मुझे पसंद भी हो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर तुम्हें मेरी कद्र नहीं है तो किसी को भी मेरी कद्र नहीं होगी. राइट. इसका मतलब है कि शादी के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करोगी तुम. कमाल है यार. पर अगर शादी के बाद तुम कुछ What? पहले कहती थी नफरत है, आज कह रही है पसंद करती हूँ. कल तक जन्मों जन्मों का साथ था और आज एक दूसरे लड़के के साथ में. ओह गॉड, ये सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सब झूठ बोलती हैं, सब धोखा देती हैं, इमोशंस के साथ में खेलती हैं और कुछ नहीं, इसलिए मुझे उसकी याद दिलाती है. गॉड रानव, कम ऑन, इस लड़की के ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद कर. मैं यहां अश्वत के लिए आया हूं, अपने भाई के लिए. Cheers to your beautiful evening. Cheers, guys. Cheers. Cheers. This is my favorite startup, Bella. Especially for you. Shall I? Yeah, sure. Okay, guys, let's eat. आपको पता है बेला, मसूरी ना बहुत ही खूबसूरत जगह है. यहाँ का वेदर, व्यू, ब्यूटीफुल. टूरिज्म के लिए एकदम परफेक्ट है. अब हिल्स तो है ही, पर हमारे होटल के पीछे बहुत ही पुरानी हवेली है, परसों से बंद है, वही जो आपने अपने पास रखी थी. कहते हैं वहां की बहुत मशहूर कहानियां हैं. कैसी कहानियां? आपको तो पता ही है ना, वो हवेली आपके दादाजी की थी, फिर वो गायब हो गए, कभी वापस नहीं आए. फिर आपकी बुआ ने वो हवेली बेच दी और एक हिस्सा अपने नाम रख लिया. जो कहते हैं वहां भूत प्रेत आत्माएं भटकती हैं, कोई बहुत ही गहरा राज छुपा है. आई मीन, ये सब तो बातें हैं, देखा किसने? हाँ, मैं भी भूत प्रेत परी राक्षस इन सब में नहीं मानती. Cheers to that. Cheers. अनेका, और मेरा पैर है. And how do you like the music? It's nice. Nice? Can I dance with you? If you don't mind, can I steal your wife? Just for the dance. Sure, sure.
एक्सक्यूज मी श्योर हमारी हवेली हुआ करती थी लेकिन बाबा कभी नहीं लेकर आए हमें यहां पे। ये ब्रेसलेट मुझे बाबा ने दिया था प्रथम। उनका मानना था कि ये पहनूंगा तो कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा भाई यहां आया था, यही उसके साथ में कुछ ना कुछ हुआ है, पर यहां क्यों और ऐसा क्या पता चल गया उसे कि मेरी बहन यामिनी ने उसे यहां मार दिया? क्या हुआ था? लेने आई हूँ। तुम जेलिस फील कर रहे थे ना, मैं उसके साथ जा। प्लीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे आया था ताकि मुझे थोड़ी सी शांति मिल सके, लेकिन तुमने यहाँ पे भी पीछे नहीं छोड़ा। ये पास आके ये ब्रेसलेट ना देख ले। चलो चलो यहां से। राक्षस बालक का